डे कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इनका जो रिश्ता था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। कई सालों से इन दोनों ने आपस में बात भी नहीं की थी और ये रिश्ता ब्यूटीफुल बन गया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम दिया नहीं है इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ में मेरी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है जो कि लव वाइब्रेशन से मुझे मिली है। मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ में मेरा 6 सालों से रिश्ता पूरी तरह से खराब था। हम दोनों ने कभी आपस में बात भी नहीं की है। उन्होंने तो मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक भी किया हुआ था और वो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। शादी के 1.5 साल के बाद से ही हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मुझसे बात तो करना दूर की बात है, देखती भी नहीं थी। कभी कोई रिश्तेदार में अगर कोई शादी भी होती थी और उन्हें पता चलता था कि मैं आ रही हूं तो वो नहीं आती थी और अपने फैमिली को भेज देती थी। इसी तरह से टाइम निकला और एक दिन आपका वीडियो मेरे सामने आया। मैंने सोचा कि मेरी ननद के साथ ही मेरे सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हैं तो मैं उनको ही लव वाइब्रेशन भेजती हूँ। मैंने अपनी ननद को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। 21 डेज तक मैंने उन्हें रोज रात को सोने के पहले लव वाइब्रेशन भेजा और उसके बाद में मैंने उन्हें लव वाइब्रेशन भेजना बिल्कुल ही बंद कर दिया और उसके बाद में अपने आप ही कुछ तो मैजिक होने लगा। 3 महीने के बाद ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अनब्लॉक कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था। उन्होंने अनब्लॉक करके मुझे एक गणेश जी की फोटो भेजी और नीचे शुभारंभ ऐसा लिखा हुआ था। सिंपल सा ही फोटो था और जो दूसरे लोगों को भेजा जाता है फॉरवर्डेड मैसेज वही था, लेकिन पहली बार ये मैसेज आया था। मैं देखकर शॉक्ड हो गई और मैंने भी उनको थैंक यू, नमस्ते, ओम जय श्री गणेशाय नमः लिख करके भेज दिया। और उसके बाद तो क्या था, जैसे कि वो तैयार ही बैठी थी मुझसे बात करने के लिए और उन्होंने मुझसे ढेर सारी व्हाट्सएप पर पहले चैटिंग की, उसके बाद उन्होंने सामने से ही कॉल भी कर दिया। मैं शॉक्ड थी, मुझे लगा ये क्या हुआ है। तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो 1 हफ्ते से मेरी चर्चा कर रही थी और बोल रही थी कि खामखा इतने साल हम दोनों ने एक दूसरे को ईगो में रह करके बर्बाद कर दिए। मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा ईगो दिखाई है। उसने बीच में बहुत बार कोशिश करी मुझसे बात करने की लेकिन हर बार मैंने ही ईगो दिखाई। वो हर रक्षाबंधन पर यानी कि मैं उसको गिफ्ट भेजती रही हूं लेकिन कभी भी मेरी ननद की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बार ना कोई त्योहार था ना कुछ था, अपने आप ही ये चीज ऐसे ठीक हुई। 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ लव वाइब्रेशन ने मेरे लिए काम कर दिया और उनके दिल को मेरे लिए पोलाइट कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी। सीरियसली इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आपके लिए दिल से दुआ निकलती है। थैंक यू थैंक यू जी, आपकी प्यारी सी दुआओं के लिए थैंक यू सो मच, आपकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लव वाइब्रेशन की ऑलरेडी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। कोई इत्तफाक नहीं हो सकता है कि एक पर काम किया, दो पर काम किया, तीन पर नहीं। मुझे लगता है कि अभी तक सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज लव वाइब्रेशन की ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये दो ही तो चीजें हैं जिसकी सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं, लव वाइब्रेशन की और वाटर अफर्मेशन की। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, मुझे सच में अच्छा लगता है जब आप लोगों की इस तरह से सक्सेस स्टोरीज आती हैं और मैंने उस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जैसे मैंने उसको खुद फॉलो किया है और मैंने खुद उसके रिजल्ट्स देखे थे। तो मुझे लगता है कि वाओ, ये इतना अच्छे तरीके से काम कर देता है कि खराब से खराब, सालों से सालों खराब रिश्ते जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे कि इन्होंने 21 रातों तक सोने के पहले लव वाइब्रेशन भेजा है और उसके बाद में जब लव वाइब्रेशन इन्होंने भेज दिया है, छोड़ दिया है पूरी तरीके से, अपने आप चीजें होनी शुरू हो गई। हस्बैंड के पास 3 महीने के बाद करीब 1 हफ्ते पहले कुछ मैसेज आता है, वो खुद ही बात करती हैं इनके बारे में और फिर वो इनको मैसेज ड्रॉप करती हैं। और जहां तक मुझे वो श्री गणेशाय नमः वो शुभारंभ वाला मैसेज समझ में आया, शायद उनको लगा कि यहां से मुझे इस रिश्ते को शुभारंभ करना चाहिए। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज,
वाओ, कंग्रेचुलेशंस डियर, आपकी सक्सेस स्टोरी सच में बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी लगी हमें. थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए. एंड हमेशा खुश रहें, आप अपने रिश्तों को, अपनी चीजों को जिस तरह से भी निभा रहे हैं और उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है. अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार. आई लव यू ऑल, टाटा.